अगर आपके पास भी कोई साधु आए और भगवान की बात करे तो यह जरूर जांच लीजिएगा कि कहीं वह साधु के रूप में शैतान तो नहीं। दरअसल इन दिनों साधु के वेश में कुछ बदमाश घूम रहे हैं। ताजा मामला जबलपुर के आधारताल का है। यहां साधु के वेश में आए डकैत ने ज्वेलरी शोरूम के मालिक को सम्मोहित करते अंगूठी उतरवा ली। बाद में सवाला की अंगूठी निगल गया, इसके बाद वह चलता बना। घटना 30 अक्टूबर की है। पीड़ित ज्वेलर राजू भल्ला का कहना है कि वे सम्मोहित हो गए थे, जैसा वो कहता गया वो करते गए। 30 अक्टूबर की सुबह का वक्त है, शोरूम खोल ही रहा था, इतने में साधु वेशधारी शोरूम के बाहर आकर खड़ा हो गया। उसने कर्मचारी से चाय मांगी, इस पर मैं उसे 10 रुपए देने लगा, लेकिन उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। वापस चाय की मांग की, मैंने कर्मचारी को चाय लेने भेज दिया। साधु शोरूम के अंदर आ गया। शोरूम के अंदर आकर वह धर्म की बातें करने लगा। उसकी बातें मुझे अच्छी लगने लगी, धन संपत्ति की बात करने लगा। बोला, लक्ष्मी जी दिखाइए। मैंने कहा, लक्ष्मी जी नहीं है हमारे पास। मैं नीलम की अंगूठी पहने हुए था। उसने कहा, इसे उतारो। जैसा जैसा साधु बोलता गया वैसा करता गया। मेरा हाथ पकड़कर अंगुली से अंगूठी निकाली और उसे मुंह में डालकर निगल गया। अंगूठी की कीमत 125,000 रुपए थी। मैं बस खड़ा खड़ा उसे देख रहा था। इतना सब करने के बाद साधु वहां से चलता बना। जब सब मोहन हटा तब समझ आया कि वह साधु नहीं बदमाश था। वैसे तो हम अपने शोरूम में इस तरह के साधुओं को अंदर नहीं आने देते, लेकिन उसने ऐसा सम्मोहन फैलाया कि हम कुछ नहीं कह पाए। आधारताल थाना प्रभारी शैलेश मिश्रा ने बताया कि शोरूम मालिक की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। ज्वेलर का आरोप है कि साधु अंगूठी निगल गया है। इस बात का पता उन्हें उसके जाने के बाद लगा। शिकायत पर हम जांच कर रहे हैं। आंखों से आंखें मिलाई है। सम्मोहन विद्या जो होती है उसका प्रभावी ढंग से प्रयोग किया है। हमारे हाथ की अंगूठी को डिजाइन देखने के बहाने निकलवाया, जो कि बेशकीमती 125,000 की कीमत की रत्न जड़ित अंगूठी, वो निकलवाने के बाद इन्होंने गुटक गए। तो इनकी शिकायत पर हम जांच करके अग्रिम मैदानी कार्रवाई कर रहे हैं।